न्यूज वर्ल्ड इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 7 दिवसीय राज्य के औद्योगिक और सांस्कृतिक गोचर मेले का शुभारंभ किया है और इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा है कि मेले हमारी संस्कृति और इसके साथ ही परंपरा की पहचान है। मेलों के स्वरूप को बढ़ाने के लिए हमारी सरकार संकल्पबद्ध है और सीएम ने गोचर मेला समिति को 10 लाख रुपए देने की घोषणा और गोचर मेला मैदान को मिनी स्टेडियम बनाए जाने की घोषणा की है। आपको बता दें कि देश की आज़ादी से पूर्व भारत और तिब्बत दो देशों के बीच स्थानीय उत्पादों के आदान प्रदान के व्यापार से शुरू हुआ इस 7 दिवसीय गोचर औद्योगिक और सांस्कृतिक विकास मेले का आज से आगाज हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज 7 दिवसीय गोचर मेले का उद्घाटन किया है और 11 मराठा रेजिमेंट के जवानों द्वारा बैंड की धुन के साथ सीएम का स्वागत किया गया। मेला मंच पर मेला समिति द्वारा मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया और मेला मंच से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गोचर मेले का अपने आप में बड़ा ही महत्व है और भारत तिब्बत के बीच स्थानीय उत्पादों को लेकर ये मेला शुरू हुआ था। सीएम ने कहा कि मेले हमारी आजीविका को मजबूत करने का भी एक साधन है। उन्होंने कहा कि जब हम बचपन में थे तो हमें भी मेले में घूमने का शौक था और गोचर मेला मैदान के लिए मुख्यमंत्री ने मिनी स्टेडियम बनाने और गोचर मेला समिति को 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। भाई, ये मेले हमारी सांस्कृतिक धरोहर को, हमारे लोक संस्कृति को बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं और ये गोचर का मेला तो वैसे भी हमारा बहुत पुराना मेला है। 17वां ये मेला आयोजित हो रहा है। यह जहाँ इसकी शुरुआत भारत तिब्बत के व्यापार को बढ़ाने के लिए, मैत्री को बढ़ाने के लिए आरंभ हुआ था, आज ये औद्योगिक क्षेत्र में, अन्य क्षेत्रों में, यहाँ के लोगों के रोजगार के क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार प्रोत्साहन के लिए, लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए। और इसी खबर पर हमारे साथ चमोली से संवाददाता सुरेंद्र धनेत्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, सीएम धामी ने शुभारंभ किया है मेले का, क्या है पूरा अपडेट? जी, जैसे कि जो गोचर मेला का जो बहुउद्देशीय और ऐतिहासिक जो मेला है, ये मेला जो उद्घाटन सीएम धामी जी ने कर दिया है और यहाँ पे जो है कि उन्होंने एक मिनी स्टेडियम जो गोचर का मैदान है उसकी भी वहाँ पे घोषणा की, तो बहुत ही मतलब लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे जो मुख्यमंत्री जी ने जो गोचर का जो स्टेडियम है उसको मिनी स्टेडियम बनाने के लिए कहा और जो राजकीय मेला है उस राजकीय मेला के लिए 10 लाख की जो सहयोग राशि है उसकी भी घोषणा की हुई है। ये जो राजकीय औद्योगिक मेला है, ये ऐतिहासिक मेला है जनपद चमोली का और उत्तराखंड का। ये आजादी से पहले ही ये शुरू हो गया था मेला। ये प्रमुख रूप से उस समय जो तिब्बत और भारत के जो भोगिया जाति के लोग रहते थे, उन लोगों के जो ऊनी वस्त्र, तमाम जो उत्पादन है उनके विक्रय, उनके आदान प्रदान के लिए ये मेला स्थापित किया गया था, इसलिए इस मेला का नाम जो है। कुछ मेले के बारे में जानकारी दीजिए, इस मेले में क्या कुछ खास रहता है? जी मैम, इस मेले में यह कि राज्य स्तर के जो स्टॉल हैं सारे सैकड़ों की तादाद में राज्य स्तर से जो पूरे देश के स्तर पर जो व्यापारी आते हैं, व्यापारी का जो सामान बिकता है, बड़े बड़े स्टॉल लगते हैं, बड़े बड़े दुकानें लगी रहती हैं। तो यहाँ के जो पर्वतीय क्षेत्र के लोग हैं वो प्रमुख रूप से जब पिछले जो समय में, उस समय पे जो प्रमुख जो यहाँ के जो लोग हैं, सामान जो सामग्री थी जो मैदानी क्षेत्र से जो दुकानदार अपनी दुकानें लेकर के गोचर मेले में आते थे, तो लोगों के लिए जो सामान यहाँ पे, जो चीजें वस्तुएं यहाँ पे उपलब्ध नहीं होती थी, उन वस्तुओं की खरीदारी के लिए लोग इस गोचर मेले में जाते थे। तमाम तरह के जो स्टॉल यहाँ पे, सरकारी स्टॉल लगे रहते हैं यहाँ पे, जो पूरे देश के कोने कोने से जो व्यापारी लोग हैं उनके अपने स्टॉल लगे होते हैं, बड़ी बड़ी दुकानें लगी होती हैं, तमाम तरह की जो खरीदारी है आज भी लोग गोचर मेले के माध्यम से करते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो बर्तन है, चाहे वो फर्नीचर है, चाहे तमाम तरह के जो उत्पाद हैं जो आवश्यक जो लोगों के दैनिक उपयोग की वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। तो निरंतर 7 दिनों तक ये मेला चलता है। जी जी सुरेंद्र, जिस तरह से यहाँ पे भारी संख्या में लोग भी नजर आ रहे हैं, कितनी की तादाद में यहाँ पे लोग पहुँचते हैं? देखिए मैम, यहाँ पे लोगों के प्रतिदिन की अगर बात की जाए तो 10,000, 20,000, 25,000 के आसपास लोगों की जो
यहाँ पे जो भीड़ रहती है, उमड़ी रहती है, इससे भी ज्यादा जब दो तीन दिन हो जाएगी तो लाखों की संख्या में यहाँ पे लोग पूरे जो जनपद चमोली हुआ, रुद्रप्रयाग और टीरी और उत्तरकाशी से भी लोग यहाँ पे आते हैं। तो बहुत बड़ा मैदान है, इसमें लाखों की संख्या में लोग दूसरे तीसरे दिन के बाद जो यहाँ पर आना शुरू करेंगे, यहाँ पे जो खरीदारी करेंगे, यहाँ पे तमाम तरह के जो जैसे भारी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, सुरक्षा की व्यवस्था के क्या इंतजाम यहाँ पर देखे गए अभी तक? बिल्कुल, इसके मेला अधिकारी जिला अधिकारी होते हैं और उनके देखरेख में पूरा मेला यहाँ पे आयोजित कराया जाता, संचालित कराया जाता। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी जिम्मेदारी जिलाधिकारी और पूरे उत्तराखंड सरकार की होती है और चार चौबंद बिल्कुल जो सुरक्षा व्यवस्था है वो तुर मिले में पुलिस प्रशासन, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की तमाम टीमें जो हैं वो यहाँ पे बनी हुई हैं। हेली सुविधा भी यहाँ पे रखी गई है ताकि कुछ अनहोनी होने पर या कुछ कोई चीज होने पर वहाँ पे हेली सेवाएं भी ली जाए। जी सुरेंद्र, मेले में पहुँच के सीएम धामी ने अपना बचपन याद कर लिया है। दरअसल उन्होंने कह दिया है कि बचपन में थे तो हमें भी मेले में घूमने का बहुत शौक था। जी मैम, जी एक्चुअली क्या है कि जो मेले हैं हमारी, जो मेले हमारे ही नहीं, मतलब प्रत्येक देश के स्तर पर अगर मेलों की बात की जाए तो मेला एक मिलन के लिए होते थे और बचपन मुख्यमंत्री जी को ही नहीं बल्कि तमाम जो बुजुर्ग लोग हैं उनको भी अपना बचपना याद आता है कि वो मेले और मेलों में जाते हैं, मेलों में शिरकत करते हैं तो बचपना आप सबको याद आता है। ये मेलों की बहुत तादाद होती है। उत्तराखंड की जो संस्कृति है, यहाँ के जो मेले हैं, यहाँ के जो पुराने कई मेले हैं, सांस्कृतिक मेले हैं, धार्मिक मेले हैं, औद्योगिक मेले हैं, तो मेलों की यहाँ पर बहुत बहुत बड़ी पहचान है और सभी जो मेलों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और अपनी संस्कृति को किसी न किसी रूप में जिंदा रखना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए। चले रुक करते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक प्रदेश में सड़कों का गड्ढा मुक्त करने का निर्देश दिया था और निर्धारित समय में सड़कों के गड्ढे पर भर पाने और काम पूरा न होने पर इसकी अवधि को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है। प्रमुख सचिव लोक निर्माण नरेंद्र भूषण ने बताया है कि लोक निर्माण के अलावा सिंचाई और गन्ना विभागों ने भी शासन से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का अनुरोध किया था। लोक निर्माण विभाग के मुताबिक राज्य में सड़कों का गड्ढा मुक्त करने के लक्ष्य के अपेक्ष सर्वाधिक 99% काम जो है वाराणसी क्षेत्र में पूरा कर दिया गया है और दूसरे स्थान पर सहारनपुर क्षेत्र है जहाँ पर 95% सड़कों के गड्ढे भरने का दावा किया गया है। आगरा, झांसी और मुरादाबाद क्षेत्रों में गड्ढे बढ़ने के लिए पैच मरम्मत का ही 69% काम पूरा कर लिया गया है। आपको बता दें कि सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के अभियान में बरेली क्षेत्र में फिसड्डी साबित हुआ है जहां पैच मरम्मत का 74% काम ही हो सका है और इस लिहाज से दूसरे स्थान पर मिर्जापुर क्षेत्र है जहां पर 75% सड़कों का गड्ढा मुक्त किया गया है। तीसरे नंबर पर अलीगढ़ क्षेत्र है जहाँ पर 78% सड़कों के गड्ढे भरे जा चुके हैं। और इसी खबर पर यूपी से ब्यूरो हेड दानिश वारसी हमारे से जुड़ चुके हैं। दानिश, जिस तरह से गड्ढा मुक्त बनाने का प्रयास लगातार जारी है उस पर अभी क्या अपडेट चल रही है? अरे बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर 15 नवंबर इससे पहले मुख्यमंत्री ने ये डेट रखी थी कि 15 नवंबर तक सारे सड़कें दुरुस्त करी जाएंगी और गड्ढे सारे भर दिए जाएंगे, लेकिन उनकी स्थिति अभी बदहाल है और स्थिति दयनीय है। हालांकि कल की जो रिपोर्ट आई, जिन्होंने प्रसिद्धि से एक नोट जारी की गई है पीडब्ल्यूडी विभाग की तरफ से, उसमें दर्शाया गया है कि कुछ जिलों को हमने बहुत अच्छा काम किया और 78% हमने सड़कों के गड्ढों को भर दिया है, लेकिन हकीकत इसमें कुछ और है। बात अगर की जाए तो अभी 30 नवंबर तक उन्होंने डेट कर दिया, यानी 15 दिन और बढ़ा दिए गए हैं। अब इन 15 दिनों में उनके पास और समय, छुट्टियां पहले इससे पहले रद्द की गई थी पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों की। जितिन प्रसाद बार बार मीडिया के इन सवालों पर घिरे हुए थे तो मुझे लगता है कि अभी 30 नवंबर उनके पास समय है और काफी समय है, अगर ये चाहें तो उत्तर प्रदेश की एक सड़क को ये कवर कर सकते हैं। और बात अगर राजधानी लखनऊ की जाए तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही भी हाल बेहाल है। अभी अगर बात कर ली जाए सरोजनी नगर की, जहाँ से कौशल किशोर जो है सांसद भी हैं तो केंद्रीय राज्य मंत्री भी हैं, और दूसरी चीज जो है वहाँ पर जो राजेश्वर राय सरोजनी नगर में आता है, जो वहाँ पर बात की जाए तो अंचल के अंदर जो रोड जा रही है वो सारी रोडें भी खराब पड़ी हुई हैं। वहाँ पर इतनी दयनीय स्थिति है कि वहाँ पर लोग पैदल नहीं चल पा रहे हैं, साइकिल से नहीं चल पा रहे, इतने बड़े बड़े पत्थर हैं। दूसरी चीज, अभी राजधानी के अंदर कुछ ऐसी सड़कें हैं जहाँ पर जो मेन
सिटी में नजर देंगे कि वहाँ पे कुछ ऐसे गड्ढे हैं, टॉपअप नहीं भरे गए, इस तरीके से लेकर 78% का जो रिकॉर्ड किया है वो कह रहा है कि 78% का काम पूरा हो चुका है, लेकिन दर हकीकत में मुझे लगता है कि 25% ही उत्तर प्रदेश के अंदर ये हाल हुआ है, उस राजधानी के अंदर तो मुझे लगता है केवल 50% ही काम कर पाए। जी दानिश, जिस तरह से बताया जा रहा है कि वाराणसी में ही जहां पर 99% काम जो है वो पूरा कर लिया गया है, जमीनी स्तर पर इसकी सच्चाई कितनी देखने को मिल रही है? देखिए, वाराणसी स्तर पर जो मैंने फीडबैक लिया है वहां के संवाददाता से, उससे ये कहना है कि वाराणसी स्तर पर भी काम हुआ है, लेकिन 80-90% नहीं हुआ है बल्कि 60% तक काम हुआ है, और कुछ अभी भी मेन सड़कें जो हैं वो भी गड्ढों में भी तब्दील हैं, उन पर भी काम किया जाएगा। तो हो सकता है शायद मुख्यमंत्री ने इस बात को समझा होगा कि शायद 15 नवंबर समय कम है, और 15 नवंबर तक शायद ये अधिकारी जो कर्मचारी हैं PWD विभाग के, ये शायद इस काम को पूरा नहीं कर पाएंगे, और टिकरी होगी सरकार की, इसके लिए 15 दिन उनको और समय दिया गया, लेकिन समय देने की बात नहीं, समय उनको 3 बार दिया जा चुका है, इससे पहले भी 15 नवंबर से पहले जो आदेश था वो भी अक्टूबर में दिया गया था, उस पर भी अमल नहीं हुआ, और अब फिर 30 नवंबर कर दिया गया। तो उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया की जो बात है कि अधिकारियों तक नहीं पहुंच पा रही है, ये वहाँ के जो PWD कर्मचारी है, चाहे वो मंत्री भी नहीं सुन रहे हैं, हालांकि अभी कुछ दिन पहले मंत्री और प्रमुख सचिव में खींचातान चल रही थी, उसके बाद फिर अधिकारियों में चलने लगी। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कों का जो हाल बदहाल है, उस मामले में मुख्यमंत्री को मुझे खुद फीडबैक उनको लेना पड़ेगा। गड्ढों के कारण हादसे की खबर भी सामने आती है, बरसात के समय में लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता होगा। देखिए, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ कि आपने देखा होगा, इससे पहले न्यूज़ 1 ने स्पेशली दिखाया था उसको, लखनऊ में अंचल के अंदर सुशांत कोल सिटी में, कि किस तरीके से मजनवा सुल्तानपुर रोड पर गड्ढे भरे हुए थे, उन गड्ढों में पत्थर थे, उसमें तालाब में पानी भरे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि 700 मीटर में छोटे छोटे तालाब बने गए थे। भाई, 700 मीटर की सड़क 7 सालों में नहीं बन पाए, और 15 नवंबर का आदेश था, फिर 30 नवंबर दे दिया गया। ऐसी स्थिति पूरे यूपी में कहीं कहीं पर बढ़िया है, कहीं कहीं पर थोड़ी कम है, कहीं कहीं पर बहुत ज्यादा है। वाराणसी की वो बात कर रहे हैं तो 60% वाराणसी में काम हुआ है। अगर बात करें, अभी बात की जाए बाराबंकी की या कानपुर की या लखनऊ की बात की जाए, तो लखनऊ में भी काम अभी अधूरे हैं, सुशांतपुर सिटी की तरफ बात की और बहुत बुरे हाल है, जो जहाँ पर वहाँ सांसद हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं कौशल किशोर, उनके क्षेत्र में काम नहीं हो पा रहा है। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बीजेपी में शामिल होने से पहले रघुराज शाक्य प्रसपा के प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर थे। रघुराज शाक्य 1999 और 2004 में समाजवादी पार्टी के टिकट पर इटावा से सांसद चुने गए थे। उन्होंने 2012 में सपा के टिकट पर ही इटावा सदर सीट से विधानसभा का चुनाव भी जीता था। रघुराज शाक्य ने 27 जनवरी 2017 को सपा से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद रघुराज शाक्य शिवपाल सिंह यादव की प्रसपा में शामिल हो गए थे, और 2022 में के विधानसभा चुनाव को लेकर भी रघुराज शाक्य ने इटावा सदर सीट से दावेदारी की थी, लेकिन सपा ने यहां से सर्वेश शाक्य को मैदान में उतार दिया था। इस वजह से रघुराज शाक्य ने बसपा छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। अब बीजेपी ने रघुराज को मेनपुरी सीट से प्रत्याशी बनाया है। रामपुर विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव में बीजेपी ने आकाश सक्सेना को अपना प्रत्याशी बनाया है। आकाश सक्सेना ने भी पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी नेता आजम खान के खिलाफ लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी थी, जिसका उनको इनाम भी मिला है। आपको बता दें कि आजम खान को 3 साल की सजा मिलने के बाद रामपुर की सीट खाली हुई है। मुजफ्फरनगर जिले की खतौली सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक विक्रम सैनी की पत्नी राजकुमारी सैनी को अपना प्रत्याशी बनाया है। विक्रम सैनी को हेड स्पीच मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी, और जिस वजह से उन्हें सीट छोड़नी पड़ी थी। अब बीजेपी ने इस सीट से विक्रम सैनी की पत्नी को मैदान में उतारा है, और सीट पर सपा की सहयोगी पार्टी RLD चुनाव लड़ रही है। दानिश वार से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दानिश, जिस तरह से खबर सामने आ रही है, बीजेपी ने इस सीट से अब विक्रम सैनी को की पत्नी को ही मैदान में उतारा है। देखिए, अगर मैनपुरी की बात की जाएगी तो वहां पर जो है बीजेपी ने जिस कैंडिडेट को उतारा है वो समाजवादी पार्टी के 2004 के सांसद रहे हैं। तो बीजेपी ने एक बहुत ही अच्छा कैंडिडेट उतारा है, क्योंकि समाजवादी पार्टी का वो गढ़ था, और समाजवादी पार्टी के ही प्रत्याशी को ये बात पहले से पता थी कि वहां पर क्या गठजोड़ रहेगा। इसलिए 2004 में जो रहे उनको इस बार जो है सांसद के लिए प्रत्याशी बीजेपी ने अपनी पार्टी से घोषित कर दिया है। तो मुझे लगता है कि डिंपल का चुनाव थोड़ा टफ होगा। अब बात अगर आकाश सक्सेना कर दी जाए रामपुर से,
जो आजम खान के टक्कर पे हैं, तो आजम खान तो उन्होंने जो है वादी रहे हैं उनके मुकदमों में, उन्होंने कई शिकायतें की हैं, कई कानूनी कार्रवाई की है, तो इसको लेकर के उनको इनाम मिला है, ये बिल्कुल सच बात है। लेकिन राजनीति में इनाम की गुंजाइश से चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, राजनीति में वोट बैंकों से चुनाव लड़ा जाएगा, वहां पर जो जनाधार है उस जनाधार पर फिर चुनाव लड़ा जाएगा। और ये अभी उपचुनाव में जनता तय कर देगी किसे क्या मिलना है। हालांकि डिंपल यादव का चुनाव सबसे ज्यादा दिलचस्प है, और डिंपल यादव के जो सामने प्रत्याशी है वो समाजवादी पार्टी के पुराने प्रत्याशी हैं, गठजोड़ उनको मालूम है, इसीलिए भाजपा ने उन पर भरोसा जताया है। जी जी दानिश, डिंपल के खिलाफ मैदान में उठ रहे हैं, तो क्या लगता है इसमें कौन ज्यादा इसमें पावरफुल नजर आएगा? देखिए, रघुराज टाट जो है वो समाजवादी पार्टी 2004 के सांसद रहे हैं, और बीजेपी ने बहुत ही सूझबूझ से बाखूबी से एक निर्णय लिया है। मैं कह सकता हूं कि जो नहले पे दहले का जो काम किया है वो बीजेपी ने किया है। समाजवादी पार्टी के पास जो है अपने परिवार की साख बचानी है, और समाजवादी पार्टी को अपने चुनाव के साथ साथ समाजवादी पार्टी को अपनी साख के साथ लोगों का ये बताना भी है कि उत्तर प्रदेश में अगला जनाधार किसका है और 2024 का रास्ता कहां से निकलेगा। और बीजेपी के पास एक लंबी चुनौती ये है कि बीजेपी ने जो प्रत्याशी घोषित किया है, अगर उनको उसमें सफल हो जाते हैं तो बीजेपी का भी 2024 का रास्ता खुलेगा। 2024 के साथ साथ नगर निकाय चुनाव है, उन पर भी रणनीति बनेगी इस चुनाव के बाद, इसलिए बेहद दिलचस्प चुनाव है। और डिंपल यादव की मुश्किलें थोड़ी सी बड़ी हैं, आसान भले नहीं मैं कहूंगा लेकिन मुश्किलें थोड़ी बड़ी हैं, और बीजेपी के पास भी चुनौतियां कम ज्यादा हैं। और उनके पास एक प्लस पॉइंट ये रहेगा कि वो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद रहे हैं और अब वो बीजेपी से मैदान में हैं। जी दानिश, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट 15 नवंबर यानी आज फाइनल रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाएगी, जिसके बाद कार्रवाई भी होगी। लगभग 1800 मदरसे फर्जी पाए गए हैं। सर्वे रिपोर्ट आने के बाद कई अहम फैसले लिए जाएंगे। रिपोर्ट आने के बाद सरकार मदरसों पर फैसला लेगी और दीनी तालीम के साथ आधुनिक शिक्षा पर भी सरकार जोर देगी। वहीं अवैध रूप से संचालित हो रहे मदरसों को बंद करने की भी तैयारी होगी। हालांकि अभी तक प्रदेश के 15 जिलों से मदरसों के सर्वे की रिपोर्ट नहीं आई है। अहम जावेद ने बताया है कि मदरसों में शिक्षा के स्तर को बढ़ाना है और 8500 मदरसों का डाटा 15 नवंबर तक प्राप्त होगा। चेयरमैन ने कहा है कि सर्वे का मकसद नए मदरसों की जानकारी प्राप्त करना था। योगी सरकार के नियमों में मदरसे बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। अल्पसंख्यक मंत्री धर्मपाल सिंह ने कहा है कि 15 नवंबर तक सभी जिलों से रिपोर्ट आ जाएगी, जिसके बाद सीएम योगी के साथ उच्च स्तरीय बैठक होगी। उन्होंने बताया कि बैठक के बाद गैर मान्यता प्राप्त मदरसे और नेपाल बॉर्डर पर चल रहे मदरसों पर विस्तार से चर्चा होगी। और इसी खबर पर दानिश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। दानिश, मदरसे सर्वे के फाइनल रिपोर्ट आएगी, क्या जानकारी? देखिए, फैसले तो उत्तर प्रदेश सरकार के सही हैं कि इस पर रिपोर्ट जो बताई थी, रिपोर्ट सर्वे चल रहा था कि कहां कहां पर अवैध मदरसे हैं, कहां कहां पर अवैध मदरसे, लेकिन सबसे बड़ी बात जो थी वो थी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर, जबकि उनका सरकार के नीति से वहां से उनकी योजनाओं से उनका कोई लेना देना नहीं था, उस पर जांच बिठाई गई। दूसरा, ये जो मान्यता प्राप्त मदरसे थे, जो अनुदानित मदरसे थे, उन पर इंक्वायरी नहीं की गई। ये सबसे बड़ा सवाल पहले ही था कि अनुदानित मदरसे जो उन पर इंक्वायरी बिठानी चाहिए थी, जितना की गैर अनुमानित मदरसों पर। दूसरा, जो इफ्तिखार जावेद मदरसे के चेयरमैन है, वो बाद बाद में कई बार ये बात बोल चुके हैं कि मदरसों के नाम पर जो शोषण हो रहा है वो नहीं होना चाहिए था। अब जो 15 को जो रिपोर्ट आनी है, उस रिपोर्ट में ये तय होगा कि किन कौन कौन से मदरसे जो थे वो गैर मान्यता प्राप्त चल रहे थे, कहाँ पर अवैध चल रहे थे। लेकिन अब जो दीनी तालीम के साथ जो बेसिक शिक्षा है वो बेहद जरूरी थी, ये भी सच है कि जो तालीम की बात है, तो तालीम के साथ जो बच्चे हैं मुस्लिम धर्म में, उनमें जो बेसिक शिक्षा विभाग की जो जिम्मेदारी उनकी बनती थी, जो बेसिक नॉलेज था वो उनको मिलेगा। ये उनके लिए विकल्प है, अच्छा विकल्प है कि वो उर्दू के साथ अरबी के साथ हिंदी, अंग्रेजी और इंग्लिश को भी पढ़ सकेंगे। ये एक अच्छा फैसला सरकार का है। लेकिन इसकी रिपोर्ट में, अभी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्या होगा कि उनको पता करना होगा कि कहाँ पर अवैध संचालित मदरसे थे, उनको देखे जाएंगे और किन किन मदरसों में दीनी तालीम के साथ बेसिक शिक्षा पर कितना जोर दिया जाए, क्योंकि सरकार ने इस चीज पर जोर देने का भी काम किया है कि उर्दू और अरबी के साथ अब बेसिक शिक्षा का जोर दिया जाए। लेकिन गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के साथ साथ मान्यता प्राप्त मदरसों को भी जोर उनको देना होगा। जी दानिश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी देने के लिए।
क्षेत्रीय विधायक और कैबिनेट मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद्र अग्रवाल ने बाल दिवस के मौके पर स्वच्छता अभियान चलाया था और इस दौरान ही लोगों से पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का विशेष ध्यान देने की अपील भी की गई। सोमवार को बैराज रोड पर मौजूद कैंप कार्यालय में आस्था पद पर सफाई अभियान चलाया गया और मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि बाल दिवस पर देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। उन्हें बच्चे अत्यधिक प्रिय थे और इस कारण उनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वच्छता पर एक विशेष फोकस है। आज देश भर में स्वच्छता को लेकर एक अलग जगह है। देश की जनता ने स्वच्छता को अपना कर्तव्य मानते हुए इसे अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल किया है। डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि बाल दिवस पर सफाई अभियान चलाकर लोगों से स्वच्छता में सहयोग करने की अपील की जा रही है और इस दौरान मंत्री डॉक्टर अग्रवाल ने झाड़ू लगाकर कूड़ा इकट्ठा भी किया। देखिए, हमारे जो महापुरुष हुए हैं उनके जयंती पे, उनके पुण्यतिथि पे हम कुछ ना कुछ काम करते हैं। आज पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की जयंती है जिसे हम बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो हमने निर्णय लिया कि जो हमारे मैरिन ड्राइव है इस पर, चूँकि मैं भी घूमता हूँ, तो मुझे महसूस हुआ कि यहाँ बहुत प्लास्टिक और कूड़ा गंदगी बहुत पड़ी है। तो मेरे कार्यकर्ताओं को धन्यवाद कर रहा हूँ कि सब लोगों ने निर्णय लिया कि इस पूरे इलाके में हम लोग मिलके, नगर निगम के कुछ कर्मचारी को भी हमने आग्रह किया था, वो भी आए, सबके साथ मिलके हम यहाँ मैरिन ड्राइव पे एक ड्राइव चला रहे हैं। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। सोमवार को प्रदेश के ऊंचाई वाले इलाके में बर्फबारी हुई है, वहीं बद्रीनाथ धाम की वादियों में बर्फ से सराबोर नजर आई है। मंगलवार सुबह जब धूप खिली तो वादियां चांदी से चमकती हुई नजर आई। श्रद्धालुओं ने बर्फ के बीच ही बद्रीनाथ धाम के दर्शन किए। 19 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो रहे हैं और आज से ही धाम के कपाट बंद होने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि इस मौके पर बड़ी संख्या में पर्यटक धाम पहुंच रहे हैं। चमोली जनपद में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बूंदाबांदी होने से मौसम में ठंडक आ गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, फूलों की घाटी और गोरसो, बुग्याल, रुद्रनाथ लाल और माटी सहित नीति और माणा घाटियों में बर्फ जमी है और धाम पहुंचे अधिकांश तीर्थ यात्रियों ने पहली बार इतनी नजदीक से बर्फबारी होते हुए देखी है। उन्होंने बताया है कि उन्होंने ऐसी बर्फबारी पहले कभी नहीं देखी और निचले क्षेत्रों में भी मौसम बदलने से ठंड में इजाफा हो गया है। आपको बता दें कि जोशी मठ और गोपेश्वर, पोखरी, नंदानगर और पीपल कोटी, नंद प्रयाग आदि क्षेत्र में दोपहर में बूंदाबांदी होने के लोग घरों में ही दुबके हुए नजर आए और वही मौसम वैज्ञानिक का कहना है कि अगले 24 घंटे में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ के ऊंचाई वाले इलाके में कहीं कहीं हल्की बारिश के साथ ही बर्फबारी की भी संभावना है। सोमवार को राजगढ़ी में जहां सबसे अधिक 25 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, वहीं चमोली के माड़ा में ही 13 और इसके साथ ही हार्शिक में 11 और चथली में 7.5 और पाडुकेश्वर में ही 6 बारिश रिकॉर्ड की गई है। उत्तराखंड के पौड़ी में सोमवार देर रात दर्दनाक हादसा हो गया। बाबू के ग्राम थापली में एक लकड़ी और पठार के बने मकान में भीषण आग लग गई और इस दौरान हादसे में अंदर सो रहे बुजुर्ग दंपति की मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार ग्राम प्रहरी सुनील और ग्राम प्रधान दीपक ने चौकी को रात करीब 10 बजे आग लगने की सूचना दी। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली पौड़ी और चौकी प्रभारी बाबू में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। फायर सर्विस को भी मौके पर बुलाया गया। फायर सर्विस और कर्मचारियों की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया और टीम अंदर पहुंची तब तक उसने बताया कि बंदूक लाल पुत्र गंभीर लाल और गोदावरी देवी पत्नी बंदूक लाल की मौत हो चुकी थी और दंपति घर में ही अकेले ही रहते थे। पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है।
पौड़ी जीजे के ही शिक्षा विभाग पौड़ी के सभागार में मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज की अध्यक्षता में जनपद के ही 15 ब्लॉकों के खंड शिक्षा अधिकारियों और उप शिक्षा अधिकारियों की एक बैठक आयोजित की गई और जिसमें मुख्य शिक्षा अधिकारी डॉक्टर आनंद भारद्वाज द्वारा विद्यालयों में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ली गई। आयोजित बैठक में विद्यालयों में मौजूद रिक्त पदों, पठन पाठन व्यवस्था, परीक्षा परिणामों और समग्र शिक्षा के तहत चलने वाले कार्यक्रमों और जर्जर विद्यालयों के भवनों की स्थिति को लेकर चर्चा की गई। जानकारी देते हुए मुख्य शिक्षा अधिकारी ने बताया कि बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों को मरम्मत कार्य से ठीक हो सकने और विद्यालय को जर्जर भवन की श्रेणी से हटवाने के लिए निर्देशित किया गया, तो वहीं आगामी बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम बेहतर हो सके इसको लेकर भी कई अहम दिशा निर्देश दिए गए। पौड़ी जनपद 15 ब्लॉक का एक बड़ा जनपद है, तो जनपद में जो हमारी सरकार के द्वारा योजनाएं लागू की गई हैं वो किस तरीके से संचालित हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए प्रतिमाह मासिक बैठक आयोजित की जाती है। तो हमारे सभी खंड शिक्षाधिकारी और उप शिक्षाधिकारियों की एक मासिक बैठक हमने यहाँ पर ली थी। इसमें हमने समीक्षा की कि विद्यालयों में कोई पद रिक्त तो नहीं है, पठन पाठन कैसा चल रहा है, छमाही परीक्षा का रिजल्ट कैसा रहा है, समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत वाले जो कार्यक्रम है वो ठीक से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। सितारगंज बाल दिवस पर स्कूली बच्चों को नान कमता लेकर गई बस ट्रक से टकरा गई और हादसे में स्कूली छात्रा विद्यालय प्रबंधन की महिला स्टाफ की मौत हो गई है और दुर्घटना में बस में सवार 50 से ज्यादा स्कूली विद्यार्थियों और स्टाफ को गंभीर चोटें लगी हैं। डॉक्टरों ने घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया है। परिजन घायल को इलाज के लिए निजी अस्पताल में लेकर पहुंचे और दुर्घटना की सूचना पर DM युगल किशोर पंत ने सरकारी अस्पताल पहुंचकर घायल बच्चों का हाल जाना है। हादसे की जानकारी ली है। किच्छा के बेदराम सुधी सिंह गर्ल्स स्कूल प्रबंधन ने 14 नवंबर यानी बाल दिवस के अवसर पर स्कूली विद्यार्थियों स्टाफ को बस में सवार कर नानकमता टूर के लिए भेजा था और सोमवार की शाम नानकमता में बाल दिवस के अवसर पर मनोरंजन कर बच्चों और स्टाफ का टूर बस से वापस जा रहा था। किच्छा हाईवे इंदिरा नगर गांव के पास बस ट्रक से टकरा गई और हादसे में किच्छा सुभाष नगर सुनेरा फार्म निवासी 14 वर्षीय ज्योत्सना पुत्री अप्रकाश मजुमदार 25 वर्षीय महिला स्टाफ लता की मौत हो गई और हादसे के दौरान बस में चीख पुकार मच गई। आसपास के राहगीर और ग्रामीण बच्चों को दुर्घटनाग्रस्त बस में निकालने के लिए घटनास्थल पर दौड़कर पहुंचे और आनंद फानंद में निजी वाहन एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर ने करीब 17 स्कूली बच्चों और स्टाफ की गंभीर स्थिति देखते हुए हाई सेंटर रेफर कर दिया। परिजन गंभीर घायलों को SS हॉस्पिटल और प्रयास अस्पताल में ले गए जहां कुछ घायलों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। ड्राइव कर रहा था और एक एक्सीडेंट हो गया और दो डेथ हो गई, बड़े दुखद घटना है और हम कोशिश करेंगे इस तरह की जो बसें हैं जो अनफिट हैं वो सड़कों पर नहीं होनी चाहिए और उसके अलावा जो भी घायल इलाज की व्यवस्था हम तत्काल करवा रहे हैं। तो इसी खबर पर सितारगंज से संवाददाता दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, बहुत दुखद खबर सामने आई है जहां पर बाल दिवस पर बड़ा हादसा सामने आया है, पूरा विस्तार से बताइए। तो आपको बता दें कि सितारगंज से दुखद खबर सामने आई है जहां पर एक स्कूली बस जो है वो पलट गई है। आपको बता दें कि हादसे में स्कूली बस पलटी और एक छात्र एक शिक्षक की मौत बताई जा रही है। आपको बता दें कि कल बाल दिवस के मौके पर ही स्कूली बस टूर पर जा रही थी और रास्ते में ये हादसा हुआ है। सितारगंज से खबर है। आपको बता दें कि एक बच्ची सहित टीचर की मौत हो गई है। सितारगंज से संवाददाता दीपक भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, स्कूली बस पलटी है और दुखद खबर सामने आई है। जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो है हादसा बहुत बड़ा हादसा हुआ है। पूरे
उत्तराखंड में जो है इसकी जो है दहशत फैल गई है और जो है इसमें काफी पुलिस बल जो है आसपास के क्षेत्र से किच्छा पुलवट्टा रुद्रपुर यहाँ पे एकत्रित हो गया और जो है और उधम सिंह नगर जिले के इसमें डीएम साहब भी मौके पर पहुंचे हैं और जो है परिजनों का हाल चाल जाना है। इसमें जो है सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जो है इन्होंने जो है शोक संवेदना इसमें व्यक्त की है और जो है इसमें दो लोगों की जो है मौके पर मौत हो गई थी और इसमें जो है काफी यहाँ पे जो है पुलिस बल तैनात रहा। जी दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए पूरी जानकारी देने के लिए। प्रेम प्रसंग में परिजनों ने नाबालिग बेटी की शादी से इनकार किया तो प्रेमी नाबालिग को बाइक पर बैठाकर फरार हो गया। बेटी लापता हुई तो मामला पुलिस के पास पहुंचा और आईडीपीएल चौकी प्रभारी चिंतामणि ने और मामले में मुकदमा दर्ज करने के 2.5 महीने बाद आरोपी को देहरादून से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के कब्जे से नाबालिग को भी पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। आपको बता दें कि आरोपी की पहचान पिंटू निवासी श्यामपुर के रूप में हुई है और कोतवाल रवि सैनी ने बताया है कि पिंटू को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने पिंटू को जेल पहुंचा दिया है। पूछताछ में पिंटू ने पुलिस को बताया कि 30 अगस्त की रात को वो अपनी नाबालिग प्रेमिका को भगाकर विकास नगर बाइक पर ले गया था जहां वो किराए के कमरे में रह रही थी। नाबालिग ने पूछताछ में शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किए जाने की बात पुलिस को बताई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।